Dear students, today I am going to teach you Value Education lesson number 6. The lesson name is Politeness Counts. A short story. It was Nisha's birthday and she wanted to have a party. She asked her mother if she could have the party and invite some friends. So, उसकी मम्मी को पूछा था, मम्मी हमें ना मेरे फ्रेंड्स को बुला सकते हैं क्या करके पूछी थी. When her friends come, she was very happy and greeted each one with a smile. सब उसके फ्रेंड्स है ना उसको विश करने के लिए सब आया है ना, सबको ऐसे ही बहुत खुश होके उस सबको इन अंदर बुला रही थी. She cut the cake, served her friends and played games with them. उनके साथ केक कट करके उसके साथ वो फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी भी बहुत हैप्पीली. शी वॉज वेरी पोलाइट एंड काइंड टू ऑल ऑफ देम. सबके पास है ना पोलाइट बोल तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी. ठीक है. एज दे सेट आउट फॉर होम शी थैंक्ड ईच वन ऑफ देम. सबको बर्थडे पार्टी होने के बाद है ना थैंक यू बोली थी. ओके. देन समटाइम्स वी यूज वर्ड लाइक दिस. मम्मी आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस. मम्मी को बोलते हैं बहुत हार्डली बोलते हैं मुझे ये चाहिए ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलने का. सेकेंड है ना रीमा टेक योर बुक. डैडी गेव मी एन आइसक्रीम नॉट मी. आई डिड नॉट डू इट. ऐसा एकदम रूडली बात नहीं करने का. ओके. यू कैन मेक दिस सेंटेंस साउंड बेटर यू यूजिंग सम मैजिकल वर्ड. दे आर कॉल्ड पोलाइट वर्ड. बोले तो पोलाइट वर्ड क्या क्या है मालूम है क्या? प्लीज, थैंक यू, मे आई, आई एम सॉरी, ये सब पोलाइट वर्ड है. ठीक है. फर्स्ट मम्मी को कैसा पूछ सकते हैं? मम्मी प्लीज़ बाई मी अ न्यू ड्रेस. मम्मी प्लीज़ मुझे ना न्यू ड्रेस ला के दे दो, ऐसा पूछ सकते हैं. देन रीमा हियर इज़ योर बुक. ऐसा बोले तो थैंक यू बोलने का. ओके. देन डैडी मे आई हैव एन आइसक्रीम. अपना पापा को पूछने का एकदम पोलाइटली, मैं आइसक्रीम ले सकते हैं क्या, ऐसा पूछने का. देन कुछ मिस्टेक किया तो आई एम सॉरी, ऐसा सॉरी बोलने का. ओके. देन प्लीज़ थैंक यू मे आई एंड सॉरी आर वर्ड्स दैट मेक अस फील गुड. ऐसा कुछ थैंक यू कोई तुमको ना चॉकलेट कुछ दिया तो उनको उनके लिए थैंक यू बोला तो कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा वर्ड्स यूज़ करने का. ठीक है. देन वी मस्ट स्पीक पोलाइटली टू ऑल एट होम. घर पे सबके साथ है ना पोलाइटली बात करने का और रेस्पेक्ट भी देने का, अपने से बड़े लोग को रेस्पेक्ट देने का. देन एवरी डे देर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन यू कैन यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड डू थिंग्स जेंटली. एवरी वन लव्स पोलाइट चिल्ड्रन. सबको है ना ऐसा अच्छा बच्चे लोग की पसंद आता है. बहुत रूडली बात करते हैं ना वो चिल्ड्रंस सबको पसंद नहीं रहता है. ठीक है. हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ पोलाइट वर्ड्स. इधर लिस्ट दिया है पोलाइट वर्ड का, वो मैं बोलती हूँ अभी. आई एम सॉरी, प्लीज़, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बर्डन मी, थैंक यू, मे आई, गुड इवनिंग, एक्सक्यूज़ मी, ऐसा पोलाइट वर्ड रहता है. ठीक है. मम्मी पापा को तुम लोग सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग बोलने का और रात को सोने के लिए जाते हैं ना तभी गुड नाइट बोलने का. ओके. देन इधर सम क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करने के. When I am late, I say, I'm late किधर गया तो क्या बोलेंगे? Sorry बोलेंगे ना. I'm sorry. I am sorry. 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 Then I need a pencil, so I say, अपने को पेंसिल चाहिए रहेंगे तो प्लीज़ दे दो, ऐसा बोलते हैं ना प्लीज़. PLEASE. Please. Then मम्मी give me a प्रेजेंट, सो आई से, मम्मी कुछ प्रेजेंट दिया तो क्या बोलेंगे? थैंंक यू बोलेंगे. ओके. THANKYOU. थैंक यू. वेन आई कैनॉट सी द ब्लैक बोर्ड आई से एक्सक्यूज मी बोलते हैं. ओके. EXCUSEME. चिल्ड्रंस ये ना तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारा बुक में, नोटबुक में लिख के रखने का वैल्यू एजुकेशन में. और ये लेसन